नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है और यहां पे टीम इंडिया जीत के काफ़ी करीब है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वनडे को लेके। वनडे में टीम इंडिया की प्रदर्शन कैसी होगी, टेस्ट में जितनी बेहतर प्रदर्शन है क्या उतनी ही बेहतर प्रदर्शन जो टीम अनाउंस की गई है ऑस्ट्रेलिया की वो कितनी मजबूत है, और टीम इंडिया की जो टीम अनाउंस की गई है उसकी प्रदर्शन क्या ऑस्ट्रेलिया में इतनी बेहतर होगी, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट हंड्रेड स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, टेस्ट में हमने देखा क्या कमाल की बल्लेबाजी भी दिखी, गेंदबाजी भी दिख रही है, लेकिन वनडे में इतनी कमाल की बल्लेबाजी की आप उम्मीद कर रहे हो, खास मिडिल ऑर्डर से? देखिए लव, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इस बार पहली बार टीम इंडिया नंबर वन टीम की तरह खेली है। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, साल 2018 भारत का बहुत अच्छा नहीं गया था। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में मिली हार या इंग्लैंड में मिली हार से हमारे बल्लेबाजों ने सीखा, और अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी खामियां हैं, क्योंकि जब आपके बल्लेबाज रन्स नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन आप देखिए ये पूरी सीरीज जो है ये पुजारा के नाम की रही है। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो चेतेश्वर पुजारा के अगर वो 3 शतक आप हटा दें तो किसी बल्लेबाज ने कुछ खास नहीं किया है। मयंक अग्रवाल, चलिए एक अलग टिपिकल ओपनर मिल चुके हैं आपको। विराट कोहली भी को भी फीका किया है पुजारा ने। अगर वनडे क्रिकेट की आप बात करेंगे तो वनडे क्रिकेट में इस बार ऐसा नहीं है कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया कमजोर जरूर है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को जो है वहां टक्कर दे पाए, क्योंकि आपकी टीम भी आपको समझनी पड़ेगी। वनडे टीम में भारतीय टीम अच्छी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि खिलाड़ी जो है कितने दिन बाद मैच में उतर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को मेरे हिसाब से रेस्ट दे देना चाहिए, लेकिन अगर रखा है तो फिर बुमराह खेलेंगे ही, मोहम्मद शमी भी खेलते हुए नजर आएंगे, तो भारत के पास मौका है। टेंशन की बात जो है वो आपकी बैटिंग है। आपकी बैटिंग वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है साउथ अफ्रीका के बाद से। इवन एशिया कप में भी हमने देखा कि यहाँ तो चलिए एशियाई टीमें थी, जब आप बड़ी टीमों से भिड़ते हैं, देखिए जैसे आपने इंग्लैंड में आप भिड़े आपको समझ में आ गया कि आप जब 270 280 300 आपको चेस करना होता है और आपके टॉप थ्री अगर आउट हो जाएं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी भी आपको मैच नहीं निकाल कर दे सकते, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर उन पर आ जाता है। और ये लैक इस वजह से होता है क्योंकि आपकी मैच प्रैक्टिस नहीं है। आप मैच प्रैक्टिस अगर रखते तो आपकी शायद टीम जो है वो बहतर हो सकती थी। और अगर किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया, 3 मैच हैं, किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अगर 300 सवा 300 लगा दिए बोर्ड पर और उसके बाद आपको अगर आपके टॉप थ्री आउट हो गए तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखना होगा। दूसरी बात है कि मैं अभी भी यही बात कहूंगा और हर प्रोग्राम में हम ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट आखिर क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पर इंटरव्यू हम सुनते हैं, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना मेहनत की, हमको इसने ग्रूम किया उसने ग्रूम किया, उसके बाद जब आप इंटरनेशनल स्क्वाड में आ जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि नहीं भाई अब हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे और रायडू ने तो सन्यासी ले लिया है। तो ये बात है कि आप ठीक है अपने करियर को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, T20 मैच नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलना तो फिर आप IPL क्यों खेल रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत का मिडिल ऑर्डर काफ़ी हद तक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप फेल हुए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? अच्छा, यहाँ पे जो हम बात करें, जैसा हमने टेस्ट में देखा है कि टॉस फैक्टर काम करता है, जो टीम पहले टॉस जीती बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने टीम इंडिया 3 बार टॉस जीती इस पूरे सीरीज में, 4 मैचों के टेस्ट सीरीज में, और 3 बार जीत के तीसरी में भी जीत के बेहद ही करीब है। क्या वनडे टीम में भी टॉस फैक्टर देखने को मिलेगा हमें? देखिए वनडे टीम में बहुत मुश्किल है टॉस फैक्टर, क्योंकि अब आजकल क्या होता है, लव, पहले वाली टिपिकल पिचेस नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ड्रॉप इन सरफेस यूज होते हैं कई दफ़ा, और एक पिच पे 2-2, 3-3 मैच हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक रहता है। और भारत के लिए इसलिए भी थोड़ा सा ईजी रहता है क्योंकि यहाँ पर शिखर धवन, रोहित शर्मा, ये दोनों बाउंसी विकेट्स के मास्टर माने जाते हैं, साथ ही विराट कोहली भी शॉर्ट बॉल के मास्टर हैं। बाकी खिलाड़ी क्या करेंगे ये भी देखना है। यहाँ पर टॉस फैक्टर मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास काम करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में समर्स हैं और समर्स में इतना कुछ खास पता लगता नहीं है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि टॉस जीतेगा भी भारत तो चेज करना चाहेगा, क्योंकि भारत को अपना ये टेस्ट करना है कि भाई आप अपने मिडिल ऑर्डर से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली पारी में तो आपके टॉप तीन रन बनाएंगे ही बनाएंगे। पिछली बार भी रोहित शर्मा ने रन बनाए थे, हालांकि उस समय भी हमारे मिडिल ऑर्डर में दिक्कत थी, लेकिन नए नए खिलाड़ियों को जब आपने ट्राई किया, मनीष पांडे को ट्राई किया, मनीष पांडे ने रन किए, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं कि आप किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। क्या दिनेश कार्तिक यहाँ की पिचेस के लिए सूटेबल हैं, क्या मती रायडू सूटेबल हैं? केदार जाधव का तो मैं 50-50 मानता हूँ, क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अच्छा यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन क्या होती टीम इंडिया के, 6-5 से जाएंगे या 7-4 की वनडे रहेंगे? क्रिकेट में तो आप 6-5 है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या खेलेंगे ये बात तय है, और 6 महीने बाद वापसी कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा में से कोई एक खिलाड़ी तो खेलेगा। और जिस हिसाब से चांस ज्यादा है कि हार्दिक पांड्या खेले, देखिए मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे मेरे हिसाब से, तो आपको कुलदीप चहल में से किसी एक को और यहाँ पर रविंद्र जडेजा को उतारना चाहिए, अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर ले आप। लेकिन फिर भी अगर रविंद्र जडेजा अगर नहीं खेलते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा शायद है भी नहीं स्क्वाड में, तो अगर नहीं खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या ज्यादा बेहतर है, और कंपेरेटिवली अगर पांड्या खेलेंगे या बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि 6 बल्लेबाज जो होंगे भारत के, वो विराट कोहली, रोहित शिखर तो है ही, महेंद्र सिंह धोनी 4, दिनेश कार्तिक खेलेंगे 5, अम्बती और राइडू अंबती रायडू 6। अगर अंबती रायडू तो खेलेंगे खेलेंगे नंबर चार चौथे, पर, दिनेश कार्तिक को बाहर करते हैं तो फिर ये केदार जाधव को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी 5वें नंबर पे बैटिंग करते आएंगे। अंबती रायडू पे खास तौर पे मीडिया में भी बवाल मचा हुआ है कि जब 2 महीने 2.5 महीने बाद आप टीम में वापसी कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला इस बार, सिर्फ नेट्स पे प्रैक्टिस किए हैं, क्या वो जो परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया में दिखी थी, एशिया कप में दिखी थी, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे निखर के आएगी ऑस्ट्रेलिया में? देखिए उम्मीद, मैं तो बिल्कुल ना उम्मीद होके चल रहा हूँ, मैं तो ये बात कहूंगा, मैं कोशिश चाहता हूँ कि अंबती रायडू और केदार जाधव गलत प्रूफ करें मुझे, क्योंकि आप दो दो तीन तीन महीने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, विदाउट डोमेस्टिक क्रिकेट आप मैदान पर उतरेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है, चलिए ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही मैच में, 3 मैच में आपको पता नहीं लगता, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जाएंगे, न्यूजीलैंड जो है कंपेरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर साइड है, और वहां पर मार्टिन गप्टिल, जिमी नेशम ने अभी उस दिन 5 छक्के जड़े हैं, तो उनकी टीम अच्छी है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या होने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। क्या अगर आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता है, चलिए मान लीजिए दिनेश कार्तिक रन्स नहीं करते हैं, जाधव रन्स नहीं करते हैं, या फिर रायडू रन्स नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप नए खिलाड़ियों को तो एकदम से नहीं उतार सकते, या तो फिर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा, या फिर आपको एक तजुर्बेकार टीम बनानी पड़ेगी जो सुरेश रैना, युवराज सिंह की ओर इशारा करती है, और मैं अभी भी मानता अच्छा, हूँ। अगर चौथे नंबर पे कोई बल्लेबाज यहाँ पे फ्लॉप होता है, तो जो पुराने खिलाड़ियों की वापसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे युवराज सिंह का नाम पहले आएगा या सुरेश रैना का नाम आएगा? मुझे मेरे मुझे लगता है कि सुरेश मुझ रैना 4 नंबर हाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो रैना और युवराज आपकी टीम में होने चाहिए, जाधव और इवन रायडू को भी आप रखिए, जाधव और कार्तिक की जगह रायडू, और ये युवराज और रैना का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस इनका बोलता है, दूसरी बात क्या है, इनका जो इनकी जो बल्लेबाजी और इनकी गेंदबाजी है और फील्डिंग है, तीनों डिपार्टमेंट में ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। अगर आपने इन्हें 3 से 4-5 मैचेस दे दिए तो ये फॉर्म पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, तो जब आपको जाना ही है तो फिर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीम, आप यार वर्ल्ड कप है, इसमें इंसान सब कुछ झोंक देता है, तो अगर आपको जाना है तो आप इन खिलाड़ियों को लेकर जाओ यार, अब आप ये सोचोगे या तो फिर आप राहुल को ड्रॉप करो, राहुल ड्रॉप पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, ओपनिंग करानी है तो आप राइडू से भी ओपन करा सकते हो, अगर तीसरे ओपनर के तौर पर आप उनको देख रहे हो तो, क्योंकि आपको यहाँ यहाँ पर पे एक केएल बार राहुल चांस को टीम लेना में रखने चाहिए। का कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी मतलब नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, समझ नहीं आ रहा उनको कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, हमने वनडे सीरीज देख ली, टेस्ट सीरीज देख ली, और इस तरह से अगर फ्लॉप हो गए तो शायद दिक्कत होगा अच्छा सामने। यहाँ पे एक सवाल और है, आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में, दोनों जगह की टीमों का अनाउंस कर दिया गया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया दोबारा से इंडिया में आएगी फेब के एंड में और ये मार्च तक चलेगा वनडे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया में कोई भी खिलाड़ी रन्स आसानी से बना लेता है, तो अगर यहाँ तीसरे चौथे नंबर और 5वें नंबर के खिलाड़ी फ्लॉप भी होते हैं, तो क्या विराट कोहली एक बार फिर से रिस्क लेंगे कि इंडिया में ही खेलना है, वो सोच कैसे चलेंगे उसके ठीक बाद आईपीएल है कि नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों को वापस लाया जाए टीम में? देखिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, और आईपीएल की वजह से या तो हमारी टीम बन जाएगी या तो हमारी टीम बिगड़ जाएगी, ये दो चीज़ है, क्योंकि इसलिए भी है लव, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रदर्शन मैटर करता है, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है, अगर परफॉर्मेंस की बात होती तो केएल राहुल अभी टीम से बाहर होते। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा हाँ, जो वही फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर वहां पे परफॉर्मेंस नहीं भी होता है तो टीम मैनेजमेंट तो वही सोचेगा टीम ना। मैनेजमेंट और चयनकर्ता क्या हाँ, सोच रहे हैं ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि MSK प्रसाद जो विराट चाह रहे हैं, जो शास्त्री चाह रहे हैं, वो टीम बना के दे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड से बड़ा कभी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, कभी टीम मैनेजमेंट नहीं बड़ा होना चाहिए। ठीक है भारत के पास शायद दुनिया के बेहतर सपोर्टिंग स्टाफ है, बेहतर लोग हैं,
लेकिन अभी भी आपको ये सोचना होगा कि आपके वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड कप में आपको मैच जिताकर दे देंगे, क्योंकि आप चलिए सुरेश रैना को एज अ बैट्समैन देख रहे हैं, और युवराज सिंह के चांसेस मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ कम हैं, क्योंकि वो खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं है। विदाउट प्रदर्शन आप नहीं आओगे, क्योंकि आप जब भी टीम में वापस आए हो आपने शतक किया है या फिर बड़े प्रदर्शन करके ही आप टीम में लौटे, तो वो ये बात युवराज भी जानते हैं। ये इतना हमें कंसर्न करने की जरूरत नहीं है कि भैया आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, लेकिन सुरेश रैना के साथ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है, उनको आप मैचेस का मौका दीजिए, वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो आपको मैच निकाल कर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे युवराज सिंह की जब हम बात कर रहे हैं तो मुंबई इंडियंस इस बार खेलते नजर आएंगे, लेकिन क्या परफॉर्मेंस की वहाँ पे उनकी कितनी ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग भी करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में करेंगे, तो मिडिल ऑर्डर में आके एक बड़ा स्कोर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा T20 बिल्कुल, फॉर्मेट मिडिल में। ऑर्डर में आके बड़ा स्कोर, लेकिन यही तो कंपिटिटिव क्रिकेट है यार। मतलब देखो, आप रमपति रायडू ने, हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, डोमेस्टिक खेले या ना खेले, आईपीएल में उन्होंने बहुत रन बनाए थे और लेकिन उसके वो बाद ओपन कर रहे थे। ओपन कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ वही ना कि अब एक आधा तो आपको करना पड़ेगा ऐसा डिसीजन। ये थोड़ा है कि आपके पास तीसरे ओपनर के तौर पर केएल राहुल ही है तो जबरदस्ती आप उनको वर्ल्ड कप, क्यों आप वर्ल्ड कप लेकर जा रहे हैं कि आपके पास इंडिया में प्लेयर्स नहीं है? आपको प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, और युवराज के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भाई प्रदर्शन कर दो, और इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रदर्शन करना पड़ेगा तो ही शायद आप कंसिडर हो पाएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप के लिए चांसेस बड़े तो कम हैं। 2019 का मौका बेहद ही कम है, कम कम लग रहा है युवराज सिंह के लिए। यहाँ पे सुरेश रैना की फिर भी बात हो सकती है कि सुरेश रैना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फरवरी में आने वाली है उस दौरे में शायद शामिल कर ले, लेकिन युवराज सिंह के लिए अभी तक दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, जो भी क्रिकेट से जुड़े अन्य खेलों से जुड़ी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे इंडेक्स एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।